देशमुख। कच्चा चिट्ठा में सबसे पहले गोगामेड़ी हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। गोगामेड़ी मर्डर केस की जांच में जुटी पुलिस ने इस मामले में एक छात्रा को गिरफ्तार किया है। बहुत बड़ी खबर आ रही है। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने छात्रा की गिरफ्तारी की पुष्टि भी कर दी है। दरअसल आरोप यह है कि शूटर नितिन फौजी हत्या से पहले पूजा सैनी के घर पर रुका था। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार छात्रा का नाम पूजा सैनी है और वो टोंक जिले की रहने वाली है। पूजा सैनी और उसका पति हथियारों की तस्करी का काम करते हैं। उसने इस हत्याकांड में शूटर्स को हथियार मुहैया करवाने में अहम रोल निभाया था। साथ ही सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की रेकी भी की गई थी, तो ये गिरफ्तारी भी बेहद खास मानी जा रही है और हथियार मुहैया करवाने में भी अहम किरदार इसका माना जा रहा है। तो गिरफ्तारी यहां पर हो चुकी है, सवालों की लंबी फहरिस्त है। गोगामेड़ी हत्याकांड में एक छात्रा की गिरफ्तारी, पूजा सैनी इसका नाम बताया गया है। पूजा सैनी के घर पर एक शूटर रुका था। पूजा पर गोगामेड़ी की रेकी का भी यहां पर गंभीर आरोप लगा है। हालांकि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, जांच का दायरा काफी बढ़ चुका है। ऐसे में जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं वो पूजा सैनी की है। ये वही छात्रा बताई जा रही है जिसकी गिरफ्तारी यहां पर हुई है, जिसका एक अहम किरदार इस हत्याकांड से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, क्योंकि इसी के घर पर एक शूटर रुका था। तो गोगामेड़ी हत्याकांड के पहले दिन ही यह दावा किया गया था कि इस हत्याकांड का कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है और अब यही बात बिल्कुल साफ नजर आने लगी है। दरअसल गोगामेड़ी न सिर्फ राजस्थान के अंदर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए मुसीबत बन चुके थे, बल्कि गोगामेड़ी की वजह से लॉरेंस की दहशत भी खत्म हो चुकी थी। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी मर्डर केस की हर हकीकत अब सामने आने लगी है। बेखौफ हमलावरों की गोलियों का शिकार हुए सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या की वजह पता चल गई है। बेहद खतरनाक गैंगस्टर माने जाने वाले लॉरेंस बिश्नोई और गोगामेड़ी की दुश्मनी आखिर क्यों थी, इस सवाल का जवाब भी मिल गया है। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी आखिर क्यों लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों की आंखों में चुप रहे थे, इसका भी खुलासा हो गया है। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के कत्ल में सिर्फ दो शूटर्स का रोल नहीं है, यह मर्डर बहुत प्लानिंग के साथ और बहुत चालाकी के साथ खास मकसद से अंजाम दिया गया था। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का कत्ल करने वाले दोनों शूटर्स की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में हो रहे खुलासों ने पुलिस को भी हैरान कर दिया है। दरअसल सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के पूरे कत्ल की कहानी इन दो शब्दों में उलझी हुई है, डोनेशन मनी वर्सेस प्रोटेक्शन मनी। दरअसल इस पूरे मामले में जो जानकारी सामने आ रही है वो ये बता रही है कि ये पूरी लड़ाई लॉरेंस बिश्नोई गैंग और राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के अध्यक्ष रहे सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के बीच चल रही थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग और उसका ये पूरा साम्राज्य चलाने के लिए बड़ी मात्रा में धन की आवश्यकता होती है, क्योंकि शूटरों को रकम देने और आधुनिक हथियारों के खरीद की जरूरत है। अपराध के साम्राज्य को चलाने और अत्याधुनिक हथियारों के खरीद की खातिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग बड़े पैमाने पर धमकियां देकर वसूली की प्लानिंग में लगा हुआ था। जिन शूटर्स को सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया है वो पूछताछ में तमाम चौंकाने वाले खुलासे कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि नितिन फौजी और रोहित राठौर, ये दोनों शूटर लॉरेंस बिश्नोई के खास गुर्गे रोहित गोदारा से जुड़े हुए थे और उनको जानते भी थे। अपने खजाने को भरने के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने राजस्थान को चुना। राजस्थान एक बहुत ही समृद्ध राज्यों में से एक है और यहाँ पर मौजूद बड़े बड़े व्यापारियों को धमकाकर उनसे प्रोटेक्शन मनी यानी रंगदारी वसूलने की प्लानिंग पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने रोड मैप तैयार कर लिया था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने राजस्थान में व्यापारियों से मोटी रकम यानी प्रोटेक्शन मनी वसूलने का जिम्मा अपने खास गुर्गे रोहित गोदारा को दे रखा था।
रोहित गोदारा ने अपना काम भी शुरू कर दिया था। सूत्रों से पता चला है कि लॉरेंस बिश्नोई का खौफ दिखाकर रोहित गोदारा व्यापारियों को धमकी दिलाने का काम कर रहा था, लेकिन उसके इस पूरे रोड मैप में सबसे बड़ी दीवार बनकर उभरे सुखदेव सिंह गोगा मेढी। राजस्थान के रतनगढ़ के एक बड़े व्यापारी जिनका नाम महिपाल है, उनसे लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे रोहित गोदारा ने 50 लाख की रंगदारी मांगी। रतनगढ़ के व्यापारी महिपाल के सुखदेव सिंह गोगा मेढी से अच्छे रिश्ते थे। सुखदेव सिंह गोगा मेढी राजस्थान का एक दबंग राजपूत नेता था जिसके पास धनबल और बाहुबल दोनों था। सुखदेव सिंह के इशारे पर हजारों की भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। यही वजह थी कि रतनगढ़ के व्यापारी को लगा कि सुखदेव सिंह के नाम का इस्तेमाल कर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खौफ से बचा जा सकता है। इसीलिए रोहित गोदारा की धमकियों को राजस्थान के रतनगढ़ के व्यापारी महिपाल ने नजरअंदाज किया और ये जवाब दिया कि सुखदेव सिंह गोगा मेढी ने लॉरेंस बिश्नोई को रंगदारी देने से मना कर दिया है। ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे रोहित गोदारा को एक बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि इसकी वजह से उसके गैंग का खौफ खत्म हो रहा था। रोहित गोदारा और सुखदेव सिंह गोगा मेढी के बीच रंजिश यहीं से शुरू होती है और ये रंजिश उस वक्त और ज्यादा बड़ी हो जाती है जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे चूरू, सीकर और जयपुर में भी रंगदारी मांगते हैं। लेकिन इन तीनों इलाकों के व्यापारी भी रतनगढ़ के व्यापारी महिपाल के रास्ते पर चलते हुए लॉरेंस बिश्नोई गैंग को रंगदारी देने से मना कर देते हैं। इन व्यापारियों ने भी सुखदेव सिंह गोगा मेढी का नाम लेकर रोहित गोदारा को रंगदारी देने से मना कर दिया। अब देखा जाए तो यहाँ पर नाकामी का ठीकरा रोहित गोदारा के सिर पर फूटने वाला था, क्योंकि रोहित गोदारा लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए रंगदारी वसूली में नाकाम साबित हो रहा था। इसकी वजह सुखदेव सिंह गोगा मेढी बन रहे थे। इन हालातों में रोहित गोदारा ने सुखदेव सिंह गोगा मेढी को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग में इलाके बनाए हुए थे और राजस्थान का पूरा इलाका रोहित गोदारा को वसूली के लिए दिया गया था। रोहित गोदारा के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सबसे भरोसेमंद आदमी राजस्थान के अंदर वीरेंद्र चारण था। वीरेंद्र चारण का भी इस हत्या में रोल सामने आ रहा है, यानी लॉरेंस बिश्नोई के राजस्थान गैंग में नंबर वन रोहित गोदारा था और नंबर दो वीरेंद्र चारण था। सुखदेव सिंह गोगा मेढी के मन में रोहित गोदारा और उसके शूटर को लेकर कोई भी डर नहीं था। उसकी वजह यह है कि दोनों ही पहले से एक दूसरे को जानते थे और दोनों ही आसपास के इलाकों के रहने वाले थे। सुखदेव गोगा मेढी राजस्थान के हनुमानगढ़ के रहने वाले थे और रोहित गोदारा पड़ोस के बीकानेर के रहने वाले हैं। दोनों को इस इलाके के लोग अच्छी तरह से जानते हैं। लॉरेंस गैंग के अधिकतर गुर्गे भी हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर समेत शेखावाटी इलाके के ज़्यादा हैं और यही वो इलाका है जो करणी सेना के प्रभाव वाला इलाका माना जाता है। करणी सेना के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता इसी इलाके में प्रॉपर्टी के काम में लगे हुए हैं। ऐसी स्थिति में करणी सेना के लोग लॉरेंस गैंग के गुर्गों को जवाब देने में ज्यादा सक्षम माने जाने लगे। ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लगा कि अगर सुखदेव सिंह गोगा मेढी को रास्ते से हटा दिया गया तो करणी सेना के पदाधिकारियों और उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट जाएगा और व्यापारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग को प्रोटेक्शन मनी यानी रंगदारी देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। बड़ी बात यह भी है कि रोहित गोदारा भले ही खुद को लॉरेंस बिश्नोई का खासम खास समझता था, लेकिन सुखदेव सिंह गोगा मेढी ने कभी रोहित गोदारा को बहुत तवज्जो नहीं दी, क्योंकि वो उसी के आसपास के इलाके का रहने वाला था और रोहित गोदारा को पहले से जानता भी था। रोहित गोदारा विदेश में मौजूद है और ऐसी स्थिति में उसने सुखदेव सिंह गोगा मेढी को रास्ते से हटाने का काम अपने नीचे राजस्थान में गैंग के नंबर टू मेंबर वीरेंद्र चारण को सौंपा। वीरेंद्र चारण ने गुरुग्राम की जेल में बंद रॉनी राजपूत और भवानी सिंह से संपर्क साधा और शूटर का इंतजाम करने के लिए कहा। इसके बाद रॉनी राजपूत ने रोहित राठौर और नितिन फौजी को सुखदेव सिंह गोगा मेढी का कत्ल करने के लिए चुना। नितिन फौजी ने 9 नवंबर को पुलिस के एक टीम पर फायरिंग की थी। इस मामले में उस पर केस चल रहा था और वो फरार था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा नितिन फौजी को ये भरोसा दिलाया गया कि अगर वो सुखदेव सिंह गोगा मेढी का कत्ल कर देगा तो उसको दुबई शिफ्ट कर दिया जाएगा और इस तरह से वो पुराने केस से भी बच जाएगा और विदेश में आराम से रह सकेगा। दुबई शिफ्ट होने की लालच में नितिन फौजी इस हत्याकांड में फंस गया। दूसरी तरफ रोहित राठौर की सुखदेव सिंह गोगा मेढी से निजी दुश्मनी थी, क्योंकि रेप के एक मामले में सुखदेव सिंह गोगा मेढी ने रोहित राठौर का पक्ष न लेते हुए लड़की और उसके परिवार का पक्ष लिया था। इस तरह बहुत आसानी से विदेशी धरती पर बैठे बैठे लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण ने सुखदेव सिंह गोगा मेढी की हत्या की पूरी रणनीति तैयार कर ली।
लेकिन खास बात ये थी कि रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण के शूटर रोहित राठौर और नितिन फौजी एक दूसरे को जानते नहीं थे। हत्याकांड के 5 घंटे पहले दोनों एक दूसरे से मिले थे। सुखदेव सिंह गोगामेढ़ी की पहचान हो सके इसके लिए रोहित गोदारा ने वीरेंद्र चारण के जरिए इन दोनों शूटरों के पास सुखदेव सिंह गोगामेढ़ी की तस्वीर पहुंचाई थी। राजस्थान के व्यापारियों के सामने एक मुश्किल ये भी थी कि वो करणी सेना को डोनेशन भी देते थे। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। अब व्यापारियों को एक कुछ चुनना था, या तो वो करणी सेना को डोनेशन देते रहे या फिर लॉरेंस गैंग को प्रोटेक्शन मनी दे। इन हालात में राजस्थान के व्यापारियों ने सुखदेव सिंह गोगामेढ़ी को ज्यादा अहमियत दी। मतलब साफ है कि सुखदेव सिंह गोगामेढ़ी का राजस्थान के अंदर बड़ा कद और राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना को चलाने के लिए जरूरी समर्थन बनाए रखने की वजह से उनका लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ सीधा संघर्ष हुआ। सुखदेव सिंह गोगामेढ़ी एक बड़े नेता और संगठनकर्ता जरूर थे, लेकिन वो अपनी सुरक्षा के लिए सरकार और पुलिस के तंत्र पर निर्भर थे। जब सुखदेव सिंह गोगामेढ़ी ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा मांगी जा रही रंगदारियों का विरोध शुरू किया, तभी से लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे सुखदेव सिंह गोगामेढ़ी को रास्ते से हटाने के लिए धमकियां दे रहे थे। लेकिन सुखदेव सिंह गोगामेढ़ी इन धमकियों से डरे नहीं, बल्कि उन्होंने राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार से उस वक्त सुरक्षा मांगी थी। राजस्थान के व्यापारी और राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के लोग भी अशोक गहलोत सरकार से इस बात की मांग कर रहे थे, लेकिन दावा किया जाता है कि पुलिस अधिकारियों द्वारा इस फाइल को पास कराने के बाद भी राजस्थान सरकार ने सुखदेव सिंह गोगामेढ़ी को सुरक्षा देने की फाइल को खारिज कर दिया। ऐसे में सरकार की तरफ से सुखदेव सिंह को कोई सपोर्ट नहीं मिला और वो अकेले पड़ गए और उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए निजी सुरक्षा कर्मियों का सहारा लेना पड़ा। लेकिन जिस दिन सुखदेव सिंह गोगामेढ़ी का कत्ल हुआ, उस दिन उनके निजी सुरक्षाकर्मी छुट्टी पर थे और उनके पास सिर्फ 2 सुरक्षाकर्मी मौजूद थे। इस बात की जानकारी भी सुखदेव सिंह गोगामेढ़ी के हमलावरों रोहित राठौर और नितिन फौजी को मिल रही थी, क्योंकि नवीन शेखावत, जो कि सुखदेव सिंह गोगामेढ़ी की जान पहचान का था, सुखदेव सिंह गोगामेढ़ी की कमजोरी के बारे में इन दोनों हमलावरों को पूरी जानकारी दे रहा था। शक तो ये भी जताया जा रहा है कि नवीन सिंह शेखावत लॉरेंस बिश्नोई गैंग से हाथ मिला चुका था। इस तरह लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने रेकी करने के बाद बहुत आसानी से सुखदेव सिंह गोगामेढ़ी को अपने रास्ते से हटा दिया। बड़ी बात यह है कि सुखदेव सिंह गोगामेढ़ी की हत्या भी उस वक्त की गई जब अशोक गहलोत राज्यपाल को इस्तीफा दे चुके थे और वो सिर्फ एक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे थे। यानी गोगामेढ़ी के मर्डर के लिए जो समय चुना गया, वो भी एक शक पैदा करता है। सवाल ये है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग आगे राजस्थान में व्यापारियों को धमका कर उनसे रंगदारी वसूल कर पाएगा और क्या व्यापारियों के बीच मौजूद डर कम हो पाएगा? सुखदेव गोगामेढ़ी को रास्ते से हटाने के बाद क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों का कब्जा और दहशत राजस्थान में कायम हो पाएगी? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा, क्योंकि अब राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के एक्शन से ही तय होगा कि लॉरेंस गैंग राजस्थान में जड़े जमा पाएगा या नहीं।